जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं दिल्ली में हूँ और डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी के घर पर हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक निर्धार किया है कि 2025 में 10 करोड़ लोगों की बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम, भव्य दिव्य कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। और ये कार्यक्रम के लिए हम सभी लोगों को काम करना है, हर स्टेट में हम लोगों को काम करना है, हर गली गली में जाके हमारे लोगों को, बाबा साहब को माने लोगों को 2025 के अशोका विजयादशमी के लिए हम लोगों को तैयार करना है। तो मैं 2 मिनट का स्टेटमेंट राजेंद्र पाल गौतम जी से लेना चाहूंगा कि आप हमें इस मिशन के बारे में बताइए और इस मिशन के बारे में लोगों को जोड़ने के लिए आप प्रेरणा दीजिए। सबको नमो बताए। जय भीम साथियों, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उनकी एक इच्छा थी कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना, बौद्धमय भारत बनाना है। लेकिन जब उन्होंने खुद दीक्षा प्राप्त की, उसके 1 महीना 22 दिन के बाद ही वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, वो सपना साकार न हो सका। आज हमें बार बार ये एहसास होता कि बाबा साहब हमें शायद कोस रहे हैं, वो शायद ये कह रहे हैं कि हमारी औलाद निकम्मी है जो हमारे इस सपने को साकार न कर पाई। इसलिए हमने निश्चय किया है 2025 में अशोक विजय दशमी के पर्व तक, पर्व वाले दिन हम 10 करोड़ अपने समाज के, बहुजन समाज के लोगों को अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने का काम करेंगे। और ये दीक्षा का जो प्रोग्राम होगा जिसमें 10 करोड़ लोग दीक्षा लेंगे, बहुत बड़ा आयोजन होगा, हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं अपील करता हूँ कि आप सब लोग भी इसमें साथ दीजिए, अपने अपने बैनर के साथ सब मिलकर आइए, इसको, इस भव्य दीक्षा समारोह को सफल बनाए। बंटे जी, मैं चाहूंगा कि आप भी सभी लोगों को ये प्रेरणा दें कि हम सभी लोगों को इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बहुत भिक्षु सुमित रतन अपील करता हूं कि आप लोग कोई गरीब, असहाय, कमजोर नहीं हो और न ही अछूत हो। आप इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो, और जब आप राजा महाराजा थे तो बुद्ध की संस्कृति आपकी विरासत हुआ करती थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो घर वापसी बहुत जल्दी कर ली जाए, क्योंकि बाबा साहब की इच्छा है और इससे अच्छा और कोई समय नहीं आएगा। मैं अपील करता हूं देश और देश के बाहर रह रहे सभी लोगों से इस अभियान का साथ दें और हमारी जो पुरानी संस्कृति, सभ्यता, विरासत है, भगवान बुद्ध का दर्शन है, उसकी तरफ वापस चलें। मैं अपील करता हूं सब लोगों से, और सभी लोग अपने संगठन भी चलाते रहें, क्योंकि संगठन बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। इसलिए विचारधारा की रक्षा करने के लिए सब लोगों को साथ आना चाहिए। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। इसलिए सब लोग विचारधारा के लिए काम करें और बुद्ध की संस्कृति को फैलाने के लिए काम करें। और 2025 1 अक्टूबर अशोक विजयदशमी के दिन जो आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 10 करोड़ लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे, आप सभी लोग शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। और राजेंद्र पाल गौतम जी एक ऐप तैयार कर रहे हैं जिसके ऊपर, जो पब्लिश किया जाएगा, इसके ऊपर अपने आप का रजिस्ट्रेशन करो। हम ये रजिस्ट्रेशन 5 साल तक चलाएंगे और उन 10 करोड़ लोगों का सारा डेटा तैयार कर रहे हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ऑलरेडी हमने वेबसाइट तैयार की है, उस पर भी अपने फॉर्म तैयार करो। अलग अलग संगठन मिलकर हम सबको एक होकर ये काम 2025 में 1 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन करना है और 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देनी है। ये मिशन 10 करोड़ का हम लोगों को सफल करना है, 10 करोड़ बौद्धों को हम लोगों को बौद्ध करना है। इतना ही मैं कहूंगा, आप सभी लोगों ने सुना, उसके लिए सभी लोगों का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।